सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नाश्ता और भोजन देने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। इसमें कई विकल्पों को शामिल किया गया है। निर्धारित समय सारणी पर इस काम को किया जाना है। इन सबसे हटकर कोरबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को भोजन देने के मामले में ठेका एजेंसी मनमानी पर उत्तर आई है। इसे लेकर यहाँ के मरीज और उनके परिजन काफी नाराज है। कोरबा जमींदारी की मुखिया रही रानी धनराज कुंवर के नाम से शहर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। कोरबा की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ इस स्वास्थ्य केंद्र से लगातार मिल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित कायाकल्प योजना के अलावा अनेक कार्यक्रम में इस स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और बीते वर्षों में इसे अपग्रेड भी किया गया है। कई विशेषज्ञों की पदस्थापना के साथ साथ आधुनिक संसाधन प्राप्त होने से इस अस्पताल की श्रेणी में बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। ऑपरेशन और अन्य मामलों को लेकर यहां पर भर्ती किए जाने वाले मरीजों को अस्पताल की ओर से भोजन दिए जाने की व्यवस्था कराई गई है। यह काम ठेके पर संचालित हो रहा है। सरकार से ठेका प्राप्त करने के बाद एजेंसी कुल मिलाकर मनमाने तरीके से काम को अंजाम देने में लगी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार के लोग अपने हिसाब से भोजन की थाली रखकर गायब हो जाते हैं और मरीज को इसका पता ही नहीं चलता। इस तरह की कार्यप्रणाली से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तम दास ने इस रवैये की आलोचना की। लेकिन यहाँ पर जो खाना बना है तो करीब 2-2.5 घंटा हो गया खाना में पड़े हुए, किसी ने कुछ बोला नहीं। हमने नीचे कंप्लेन भी दिया था, किनका खाना है कम से कम बता दे तो पेशेंट खाना खा लेंगे। किसका खाना क्या है कुछ नहीं बताया गया? किसी को कुछ नहीं बताया गया सर। ऐसे पड़ा था खाना, कितने देर तक पड़ा हुआ था खाना? ऐसे खाना आपका करीब 1 बजे से पड़ा हुआ है वैसे, और अभी तक वैसे पड़ा है, शायद आप भी देखे। नीचे कंप्लेन करने गए तो क्या बोल रहे थे वो लोग? यहाँ पर स्टाफ ही नहीं सर। स्टाफ नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार प्राप्त करने के लिए आने वाले लोगों को दवाओं के अलावा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। ऑपरेशन और अन्य मामलों को लेकर यहाँ पर भर्ती रहने वाले मरीज के लिए इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। भोजन व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेदारी जिन हाथों ने ले रखी है उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी है कि उन्हें अपना कामकाज किस तरीके से करना है। ऐसे में उनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही बताती है कि या तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है या फिर वे इस काम को छोड़ने की मानसिकता में हैं। कोरबा से पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।